जनता टेलीविजन अपने देख रहल छी जनता समाचार दुपहर 12 बजे के मैथिली बुलेटिन में अपने एक स्वागत है। नमस्कार, हम दीपा कर्ण। सबसे पहिने प्रमुख समाचारक शीर्षक सब। अछाम के चौरपाटी में ट्रैक्टर दुर्घटना भेला पर एक परिवार के दू सहित तीन गोटे के मृत्यु, चार घायल। माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसईई के नतीजा सार्वजनिक करवाक तैयारी अंतिम चरण में, प्राविधिक त्रुटि ने भेल त निश्चित समय में नतीजा सार्वजनिक हैत। सोन के मूल्य 6 वर्ष इम्हर के उच्च बिंदु में, मंगल दिन तोला के 65,500 रुपया में कारोबार। आईसीसी विश्व कप क्रिकेट में आई पाकिस्तान और न्यूजीलैंड आमने सामने, सेमीफाइनल में पहुंचक लेल पाकिस्तान द्वारा न्यूजीलैंड के चुनौती। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो दू दिनक भ्रमणक क्रम में पहुंचलत भारत, दुनू देश द्वारा लगाओल गेल कर ऊपर है चर्चा। हमरा लोकन मैथिली समाचार में छी आ पूरा समाचार। अछामक चौरपाटी गांव पालिका वार्ड नंबर 2 मूली में भिनसर में ट्रैक्टर दुर्घटना भेला पर तीन गोटे के मृत्यु भेल अछि। आई भिनसर में भेल दुर्घटना में 4 गोटे घायल सेहो भेल छथि। चौरपाटी गांव पालिका 3 डुमरी नामक स्थान सँ बाउल आनक लेल चलल से 1-6-78-39 नंबर के ट्रैक्टर वही गांव पालिका के वार्ड नंबर 2 मूली टोल में दुर्घटना भेल अछि। दुर्घटना में मृत्यु भेल समय 16 वर्षक रमेश साउद, 14 वर्षक लक्ष्मी साउद आ 13 वर्षक काली साउद रहल। चौरपाटी गांव पालिका के अध्यक्ष हर्क बहादुर साउद जानकारी देलन अछि। घायल सबके अछाम के साफे स्थित बैलपाटा अस्पताल में इलाज भ रहल अछि, तऽ दुर्घटना के कारण पता नहि लाग सकल अछि। परीक्षा नियंत्रण कार्यालय शानू ठीमी द्वारा ए वर्ष के माध्यमिक शिक्षा परीक्षा अर्थात एसईई के नतीजा आइ सार्वजनिक करबाक तैयारी कयल गेल अछि। 2075 चैत 10 गते सँ संचालन कयल गेल एसईई परीक्षा के नतीजा प्रकाशन के तैयारी अंतिम चरण में पहुँचल, कार्यालयक उपनियंत्रक चेतनाथ शर्मा जानकारी देलनि अछि। उपनियंत्रक शर्मा, कोनो प्राविधिक त्रुटि नहि भेल तऽ आइए, जँ प्राविधिक त्रुटि आयल तऽ बृहस्पति दिन धरि में नतीजा सार्वजनिक करबाक काज भ रहल, जानकारी देलनि अछि। कार्यालय मंगल दिन सार्वजनिक सूचना जारी करैत परीक्षा के नतीजा विभिन्न वेबसाइट, एसएमएस आ आईवीआर सँ देखल जा सकबाक व्यवस्था कयल गेल, जानकारी देने अछि। एहि वर्ष के परीक्षा में देश भरि सँ कुल 4,75,003 परीक्षार्थी परीक्षा में सहभागी भेल छल। अंतर्राष्ट्रीय लागू औषध दुरुपयोग तथा औसार पोसार विरुद्ध के अंतर्राष्ट्रीय दिवस नेपाल में सेहो सप्ताहव्यापी रूप में मनाओल जा रहल अछि। लागू औषध प्रयोगकर्ता सब काठमांडू सहित देश के मुख्य मुख्य शहर में बढ़त जा रहल समय सरकार द्वारा लागू औषध तथा तस्करी विरुद्ध के अंतर्राष्ट्रीय दिवस सप्ताहव्यापी रूप में मनेबाक निर्णय कयल गेल अछि। बाल बालिका आ युवा के स्वास्थ्य आ सुरक्षित विकास के लेल सर्वप्रथम उन्हीं के कूड़ा सुनो नामक नाराक साथ दिवस मना रहल अछि। नेपाल में हरेक वर्ष करीब 20,000 युवा युवती कड़ा प्रकार के लागू औषध के दुर्व्यसन में फंसत अछि। गृह मंत्रालय द्वारा 2069 में कयल गेल सर्वेक्षण में नेपाल में 91,534 गोटे दुर्व्यसनी रहल तथ्य सार्वजनिक कयल गेल छल। पछिला समय 11.36% के दर सँ दुर्व्यसनी के संख्या बढ़कर 1.5 लाख नाइंग चुकल अछि। हमरा लोकन मैथिली समाचार में छी, अखन छोट विश्राम। हमरा लोकन मैथिली समाचार में छी आ बाकी समाचार। विनियोजन विधेयक 2076 अंतर्गत मंत्रालयगत जवाब सम्पन्न भेल अछि। विभिन्न शीर्षक सब पर कयल गेल चर्चा में उठल प्रश्न सब के संबंधित मंत्री सभक जवाब आ सांसद सब के प्रश्न उत्तरीक बाद मंत्रालयगत जवाब सम्पन्न भेल अछि। बीतल अखाड़ 3 गते सँ शुरू भेल विनियोजन विधेयक ऊपर के मंत्रालयगत जवाब सम्पन्न भेल अछि। मंगल दिन स्वास्थ्य रक्षा प्रधानमंत्री तथा मंत्री परिषद के कार्यालय, संस्कृति मंत्रालय, राष्ट्रीय योजना आयोग आ राष्ट्रपति के कार्यालय एवं उपराष्ट्रपति के कार्यालय द्वारा संसद में जवाब पेश कयल गेल अछि।
सांसद सब द्वारा कैल गेल प्रश्न के जवाब में रक्षा मंत्री ईश्वर पोखरेल सेना के विकास निर्माण में परिचालन केनाय संविधान बमोजिम रहल कहलन अछि। नेपाली सेनालाई संविधान र कानूनमा भएको व्यवस्था बमोजिम नै नेपाल सरकारले नीतिगत निर्णय गरी आवश्यक देखिएको विकास निर्माण तथा विपद व्यवस्थापन लगायतका क्षेत्रमा संलग्न गराउँदै आएको हो। संविधान द्वारा सेहो विकास निर्माण के भूमिका देल गेला कारण ऐसा सेना के पेशागत मर्यादा पर असर नै होयत मंत्री पोखरेल के दाबी छन। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मंत्रालय के विनियोजन शीर्षक में संसद में कैल गेल प्रश्न के जवाब में अर्थमंत्री डॉक्टर युवराज खतीवड़ा गौतम बुद्ध अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल पूछे महीनाक भीतर संचालन होयत कहलन अछि। पूछ मसान धरि में टर्मिनल भवन निर्माण करबाक लक्ष्य के साथ काज आगा बढ़ रहल अर्थमंत्री दाबी अछि। वर्तमान सरकार समस्याबाट भाग्न पनि चाहदैन, भाग्नु पनि हुँदैन। अब के गर्ने? हामीले ल्याएका अलि धेरै यात्रु बोक्न सक्ने जहाज, जसलाई अहिले पपुलर भाषामा वाइड बडी भनिन्छ, ती जहाजहरूलाई हामीले व्यावसायिक ढङ्गले कसरी चलाउने, यसमा दुई तिनवटा कुराहरू हामीले सरकारले अघि बढाउन खोजेको छ। अहिले केही गन्तव्यहरूसँग हाम्रा प्रक्रियाहरू अघि बढेका छन्। जापानमा ओसाका टोकियोदेखि र चिनका केही डेस्टिनेसनहरूको विषयमा प्रक्रियाहरू धेरै अघि बढेका र केही मात्रामा सुरु हुने अवस्थामा पनि पुगेको छ। मन्त्रालयका जवाब सम्पन्न भेलाक बाद जारी बैसारमा विनियोजन विधेयक 2076 अन्तर्गत मन्त्रालयगत खर्च कटौतीके प्रस्ताव बहुमतसँ अस्वीकृत कयल गेल अछि। संसदके दोसर बैसार अखाड 13 गते बैसबाक निश्चय कयल गेल अछि। क्यामेरामे विपिन श्रीवास्तवके साथ कान्ति न्योपाने, काठमाडौँ। सरकार गुठी विधेयक 2075 फिर्ता लेने अछि। राष्ट्रीय सभाक बैसार में भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मंत्री पद्मा अर्याल द्वारा पेश कयल गेल गुठी विधेयक फिर्ता लेल जाय विषयक प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत कयल गेल अछि। नेपाल के संविधान के धारा 112 आ राष्ट्रीय सभा संचालन नियमावली के नियम 116 बमोजिम मंत्री अर्याल द्वारा गुठी विधेयक के फिर्ता लेल जाय कहि कऽ प्रस्ताव पेश कयल गेल अछि। मंगल दिन गुठी विधेयक राष्ट्रीय सभा से औपचारिक रूप में फिरता लेल गेल अछि। एहिसँ पहिने गुठी विधेयक के संबंध में चौतरफी विरोध कयल गेलाक बाद मंत्री अड़ियाल द्वारा मंत्रालय में पत्रकार सम्मेलन कऽ विधेयक फिरता लेल गेल छल। आब आर्थिक समाचार। आर्थिक समाचारक संग बहुमूल्य धातु सोन के 6 वर्ष इम्हर के सबसे उच्च बिंदु में कारोबार कयल गेल अछि। मंगल दिन सोन के मूल्य बढ़कर तोला के 65,500 रुपया निर्धारण कयल गेल। नेपाल सोन चांदी व्यवसायी महासंघ जनौलक अछि। बीतल शुक्र दिन से तोला के 65,000 रुपया में कारोबार कयल गेल सोन के मूल्य मंगल दिन तोला में 500 रुपया बढ़ल अछि। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोन के मूल्य प्रति औंस $30 से बढ़ल अछि। सोम दिन प्रति औंस $14 से $4 में कारोबार कयल गेल सोन के मोल मंगल दिन $14 से $35 पहुँचल अछि। डॉलर कमजोर रहला कारण लगानीकर्ता के आकर्षण सोन पर पड़ला कारण मूल्य वृद्धि भेल महासंघ जनौलक अछि। चांदी शुक्र दिन से तोला के 740 रुपया में कारोबार भ रहल अछि। हमरा लोकन मैथिली समाचार में छी, अखन छोट विश्राम। समाचारक अंत में प्रमुख समाचारक शीर्षक सब पुनः एक बेर। अछाम के चौरपाटी में ट्रैक्टर दुर्घटना भेला पर एक परिवार के 2 सहित 3 गोटे के मृत्यु, 4 गोटे घायल। माध्यमिक शिक्षा परीक्षा SEE के नतीजा सार्वजनिक करवाक तैयारी अंतिम चरण में, प्राविधिक त्रुटि ने भेल तो निश्चित समय में नतीजा सार्वजनिक होयत। सोन के मूल्य 6 वर्ष इम्हर के उच्च बिंदु में मंगल दिन तोला के 65,500 रुपया में कारोबार। ICC विश्व कप क्रिकेट में आए पाकिस्तान आ न्यूजीलैंड आमने सामने, सेमीफाइनल में पहुंचक लेल पाकिस्तान द्वारा न्यूजीलैंड के चुनौती। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो 2 दिनक भ्रमणक क्रम में पहुंचल भारत, दोनों देश द्वारा लगाओल गेल कर ऊपर हुए चर्चा।
एखन के लेल मैथिली समाचार एतबे। अपने जनता टेलीविजन के कार्यक्रम सब यूट्यूब फेसबुक ट्विटर आ हमरा सबक वेबसाइट jantasamachar.com में सेहो पढ़ा देख सके छी। तहिना जनता टेलीविजन में दोपहर 1 बजे नेपाली भाषा में न्यूज अपडेट लक उपस्थित हेबेटा करब। हम सब अविराम अनुकरणीय अभ्यास में छी। जनता द्वारा जनता लेल प्रसारित जनता टेलीविजन देखैत रहब। नमस्कार।